तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद इसके मामले कम आने लगे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं अब तलाक ए हसन से परेशान हैं। तीन तलाक के खिलाफ कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है। अब मुस्लिम महिलाएं तलाक ए हसन जैसे नियमों से परेशान हैं। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने तलाक ए हसन को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है, जिसके बाद से मामला चर्चा का विषय बन गया है। आज के इस रिपोर्ट में जानेंगे क्या है तलाक ए हसन, मुस्लिम महिलाएं कैसे इस नियम से जूझ रही है। नमस्कार, मैं श्रुति अंगद और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि तीन तलाक की तरह यह भी महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली प्रथा है। जानते हैं तलाक ए हसन क्या है। तीन तलाक की तरह तलाक ए हसन भी तलाक देने का एक तरीका है। इसमें शादीशुदा मर्द 3 महीने में 3 बार एक निश्चित अंतराल के बाद तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ सकता है। तलाक का यह तरीका भी तीन तलाक की तरह एक तरफा ही है। खास बात यह है कि इसमें एक ही बार में 3 बार तलाक नहीं बोला जाता। तलाक ए हसन में शौहर अपनी बीवी को 3 महीने में एक एक करके 3 बार तलाक बोलता है। 3 महीने पूरे होने और आखिरी बार तलाक बोलने पर दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो जाता है। ये नियम सिर्फ मुस्लिम पुरुषों के लिए जायज है। अब जानते हैं तलाक ए हसन की प्रक्रिया क्या है। तलाक ए हसन में तलाक 3 बार बोला जाता है, लेकिन इनके बीच एक एक महीने का फासला होता है। यानी एक तलाक बोलने के 1 महीने बाद दूसरी बार तलाक बोला जाता है और उसके 1 महीने बाद तीसरे महीने में दोबारा तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। अगर इस बीच शौहर और बीवी में सुलह हो गई तो तलाक को दर्ज कर दिया जाता है। तलाक ए हसन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में जनहित याचिका PIL दाखिल की गई है। इसमें तलाक ए हसन को मनमाना, तर्कहीन और अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन करने के लिए शून्य और असंवैधानिक घोषित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि तीन तलाक यानी तलाक ए बिद्दत की तरह यह भी एक तरफा कानून है। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज 10 इंडिया के साथ।